तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे गोरखपुर जैसे खूबसूरत शहर को देखने का मौका दिया। दूसरा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ऐसी जनता ऐसे लोग मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखे। दोस्तों, आज टेम्परेचर भी डाउन है, ठंड का भी समय है, खाना भी आप खा चुके हो, पर एक भी व्यक्ति अभी तक इस हॉल से नहीं गया, मैं नतमस्तक हूं। मैं नतमस्तक हूं। आप लोग रियली कमाल है। इस शहर के बारे में मैं थोड़ा बता रहा था अमित दुबे को कि यार कल से मैं आया हूं, मुझे अजीब सा, मुझे इतनी शांति मेरे जीवन में कहीं नहीं मिली। बड़ा पीसफुल सा सिटी है, बड़ा खूबसूरत सा सिटी है। एक लेक है यहाँ बहुत बड़ा पानी का, उसके साथ ही हमारा कोई होटल है, तो मैं तो कुछ अलग बात है। फिर मैंने इस शहर के बारे में थोड़ा जानना चाहा, तो मैंने जाना यार ये तो वो शहर है जिसने भारत के अंदर जब आजादी की जंग चल रही थी तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहते ना घी में आग डालने का काम किया था। चोरा चोरी तुम्हारा यही हुआ था, तुम्ही लोगों ने किया था, पूरा देश जाग गया था और वो आजादी की लड़ाई 10 गुना ताकतवर हो गई थी। वो ताकत है तुम लोगों में भी। मैं ये सोच रहा था कि शायद संजीव कुमार आज से AWP 2.0 में जितनी एनर्जी थी, शायद आज गोरखपुर का फंक्शन होने के बाद वो एनर्जी अब 10 गुना होने वाली है। आप लोगों ने साबित करके दिखाया। दूसरा, अमित दुबे जी यहाँ के बता रहे थे कि मैं बहुत कुछ सोच रहा था, मतलब गोरखपुर ने मुझे बहुत कुछ सोचने मजबूर किया है कि जब सर हम यहाँ आए थे तो होटल नहीं था। कल मैं पूछ रहा था तो पता चला यार 3-3 फाइव स्टार होटल हो गए, तो मुझे लगा कि गोरखपुर के लोग करोड़पति बनेंगे तो फाइव स्टार में तो रहेंगे। तो जब से AWP यहाँ पर आई है तब से फाइव स्टार होटल भी आ गए। सोच रहा था गोरखपुर के बारे में, गोरखपुर ने इस उत्तर प्रदेश को सबसे काबिल मुख्यमंत्री दिया, जो गुंडाराज अच्छे अच्छे खत्म नहीं कर पाए वो उन्होंने मिनटों में खत्म कर दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। अब डायरेक्ट सेलिंग में भी जो घटिया लोग काम कर रहे थे गोरखपुर के देश के सामने, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ये महसूस कर पा रहा हूँ कि आप रियली में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक और अच्छी बात महसूस कर पा रहा हूँ कि आप रियली काबिल लोग हैं और आप रियली जरूरतमंद भी हैं और आप रियली AWPL में दिल से अपनी तरक्की चाहते हैं। मैं कह सकता हूँ गोरखपुर दिल से है। तो बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले उन सब लोगों को जिन्हें यह अचीवमेंट्स प्राप्त करने का मौका मिला। टॉपाज बने, रूबी स्टार बने, सफायर स्टार, सफायर डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, जो भी बने उन सबको बहुत बहुत बधाई। स्पेशली राज चौधरी जी आपको बहुत बहुत बधाई, ज्ञानधर गुप्ता जी आपको बधाई और आपकी सारी टीम को बधाई इतना बड़ा आयोजन करने के लिए। और मैं कह सकता हूँ देश का सबसे जबरदस्त डिसिप्लिन शो करने के। आपकी पूरी टीम रियली धन्यवाद की हकदार है, आपके पूरे लोग बहुत अच्छे हैं ये मैं देख पा रहा हूँ। दोस्तों, मुझे नहीं पता बाकी बहुत कुछ तो अमित दुबे सर ने बता दिया, कुलदीप सर ने बता दिया, मैं क्या बताऊं, मैं सिर्फ अपनी भावना व्यक्त कर सकता हूँ, मैं बता कुछ नहीं सकता, सिर्फ अपनी भावनाएं आपके साथ व्यक्त कर सकता हूँ, अपने इमोशंस आपसे शेयर कर सकता हूँ। मैं कोई अच्छी स्पीच नहीं दे सकता, अच्छे भाषण नहीं दे सकता, अच्छी इधर उधर की बनावटी बातें मुझसे होती नहीं है, जो सच है मैं वो बता सकता हूँ। इस हॉल में, इस प्रांगण में जितने भी लोग बैठे इधर, हमारी बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, बहुत देर से बैठी हैं और यहाँ कुछ नीचे भी बैठना पड़ा, इधर हमारे भाई बैठे हैं, हम सबको किसी ने बुलाया है कि चलो एक कंपनी दिखा के आते हैं, एक सिस्टम समझाते हैं। कुछ लोगों को सिस्टम पता है, कुछ लोगों को सिस्टम नहीं पता, कुछ को सिस्टम जम चुका है, कुछ को सिस्टम नहीं जम रहा, कुछ को डाउट है, किसी को डाउट नहीं है, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता। पर मुझे ये
पता है कि आज तक का सबसे खूबसूरत प्रांगण विजय रथ का सजा हुआ है वो मेरे सामने। तो मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? और कोई बहुत सारे काम है दुनिया में करने के लिए, हम वो भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले, ए भाई, ए बॉय बाउंसर, शांति, ए तू मैं पट्टी चुप, देखिए ना मैं बोलूं। सबसे पहले भावनाएं मैं व्यक्त करूंगा, आपको समझ में आए तो समझ जाना, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप यहां पर आए, मुझे अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करूंगा। देखिए इस धरती पे, पृथ्वी पे जो भी व्यक्ति पैदा होगा उसको अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, किसी ना किसी संसाधन के साथ काम करना पड़ेगा, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई रास्ता उस व्यक्ति को चुनना पड़ता है। यस या नो? बात करें क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करना, मैं टाइम पास करके भी जा सकता हूं, लेकिन इतने अच्छे लोग जहां सामने बैठे होते हैं तो फिर मेरा मन से निकलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पृथ्वी लोक पे मनुष्य योनि में जन्म लें और बिना कुछ करे इस जीवन को गुजार के चले जाए। किसी को फिर जब इंसान इस पृथ्वी में पैदा होता है तो एक परिवार में पैदा होता है, एक परिवार उसे मिलता है, एक माँ बाप उसे मिलते हैं, एक गांव मिलता है, एक शहर मिलता है, और वो व्यक्ति का पालन पोषण जैसे उस परिवार की आर्थिक स्थिति होती है वैसे ही होता है, जैसे उसके माता पिता की स्थिति होती है वैसे ही उसका पालन पोषण होता है, वैसे उसको पढ़ाई लिखाई मिलती है, वैसे ही उसको कपड़े मिलते हैं, वैसे उसको कहीं आने जाने के लिए संसाधन मिलते हैं। हाँ या ना? मैं सही कह रहा हूं? ऐसी चलती हम सबकी जिंदगी। उसमें कुछ लोगों का जन्म बहुत अच्छे परिवारों में हो जाता है, समर्थ परिवारों में हो जाता है, जहां पर उन बच्चों को बड़ा होने के बाद कुछ करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। उनके पिता की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उनके पिता के बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, उनके पिता के स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, और बच्चे जाके वो काम करने पड़ते हैं, वो काम करने लग जाते हैं। और वही देखा जाए तो ज्यादातर आबादी, पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं, इंडिया की बात करूं, ज्यादातर आबादी को जो परिवार होते हैं जहां वो पैदा होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति इतनी समर्थ नहीं होती कि वो अपने पिता का काम संभाले, उन्हें अपना कोई काम चुनना पड़ता है, अपना कोई व्यापार, अपना कोई संसाधन, अपनी कोई नौकरी, अपना कोई जॉब ढूंढना पड़ता है। किसके लिए? इस पेट को पालने के लिए। है ना? ऐसा होता नहीं होता? तो कहीं ना कहीं कुल किन्हीं बच्चों को बहुत अच्छे पढ़ने लिखने के मौके मिल जाते हैं, किन्हीं बच्चों में बहुत अच्छा ब्रेन होता है उन्हें मौके नहीं मिलते, किन्हीं बच्चों को बहुत बड़े बड़े संसाधन मिल जाते हैं, किन्हीं बच्चों को बहुत बड़े बड़े संसाधन नहीं मिलते। एक बार आपने देखा होगा, मैं टेड टॉक में गया था, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ा टॉक शो है उसमें गया था, तो उसमें मेरा सब्जेक्ट ही था, मैंने यही बताया था कि सफलता और असफलता के बीच में हम नहीं खड़े, सफलता और असफलता आती है हमारे पैदा होते शुरू हो जाती है। अगर हम समर्थ परिवारों में, अच्छे परिवारों में, पैसे वालों घरों में पैदा हो जाएंगे तो सफलता को आना ही पड़ेगा, और जब हम अच्छे परिवारों में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में पैदा होते हैं तो हमें उस परिवार को सफल बनाने के लिए इस मनुष्य जन्म में प्रयास करने ही पड़ते हैं। कुछ लोग बिना प्रयास के भी सफल है, आनंद अम्बानी बिना प्रयास के सफल है, अभिषेक बच्चन बिना प्रयास के सफल, सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर बिना प्रयास के सफल है ना, बिरला का बेटा बिना प्रयास के सफल है। ये प्रयास किसको करना पड़ रहा है, ये मेहनत किसको करनी पड़ रही है, ये दिन रात रास्ते किसको ढूंढने पड़ रहे हैं, ये धूप में सर्दी में सपना ढूंढना किसको पड़ रहा है, ये अपने घर गांव छोड़कर मुंबई दिल्ली कौन कमाने गया है, ये अपने घर गांव छोड़कर दुबई सऊदी अरब कौन कमाने गया है, जिनके परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी कि उन्हें अपने बाप के बनाए हुए प्लेटफॉर्म पे कमाने का या जिंदगी का जिंदगी यापन करने का मौका मिलता। आया ना? आया ना? तो दोस्तों हमें तरक्की क्यों करना?
नहीं है, ये तो जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन सुनिश्चित होता है। अगर जन्म आर्थिक स्थिति कमजोर में होगा तो उसे मजबूत करने के लिए हमें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, तरक्की करनी ही पड़ेगी। इंसान का ब्रेन कैसे डेवलप होता है, अच्छा बुरा इंसान कैसे सोचता है, जिस माहौल में वो पैदा होता है। मैं हमेशा कहता हूं अमीर का बच्चा और गरीब का बच्चा, एक बच्चा पैदा हुआ अंबानी के घर में, बिरला के घर में, और एक पैदा हुआ किसान के घर में, गरीब किसान के। हम एक काम करते हैं, गरीब किसान के बच्चे को उठा के अमीर घर में ले जाते हैं और बिरला के बच्चे को उठा के गरीब किसान के घर में डाल देते हैं। मैं इस पूरी जनता से पूछता हूँ, बड़ा होने के बाद कौन बच्चा सफल होगा, जो अमीर का गरीब किसान के घर में है या गरीब का अमीर किसान के घर में गया? जो गरीब का, क्यों? बचपन से कंप्यूटर मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, गाड़ियां मिलेंगी, कॉन्वेंट स्कूल मिलेगा, आया ना, डिग्री करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज देगा, उसके बाद लंदन भेज देगा। मेरे भाई, तरक्की हम में नहीं है, तरक्की जिस माहौल में हमने जन्म लिया है उसमें होती है। ये ब्रेन छोटा कब सोचता है, जब हमने छोटे घरों में जन्म लिया है। बड़े घर में जन्म लेने वाला बच्चा बड़ी फैक्ट्री लगाने के बारे में, बड़ा स्कूल बनाने में, बड़ी कॉलेज बनाने में, बड़ा व्यापार बनाने में सोचता है, और छोटे घर में लिया गया जन्म वाला बच्चा एक छोटी सी नौकरी, टीचर की, मास्टर की, फौज की, पुलिस की, उसके बारे में सोचता है। अरे बच्चे दोनों पृथ्वी में पैदा हुए, सोच का फर्क है, और सोच आती है जिस माहौल में हम पले। मेरी बात समझ में आ गई? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कमजोर हम नहीं है। आप लोगों को डाउट होता है मैं करोड़पति बनूंगा नहीं बनूंगा, अरबपति मैं बताऊंगा, 10 मिनट में रास्ता बता के चला जाऊंगा और गारंटी देकर जाऊंगा, 10 मिनट में बताऊंगा कि आप बनोगे ही बनोगे। लेकिन पहले आपकी ये जो मानसिक कमजोरी है इससे बाहर निकलो। आप शारीरिक रूप से कमजोर नहीं है, आप मानसिक रूप से कमजोर है, और आप मानसिक रूप से कमजोर पैदा नहीं हुए थे। आपको मानसिक रूप से कमजोर आपकी उस आर्थिक बदहाली ने, आर्थिक हालत ने, जो उस घर में आप पैदा हुए थे, उस माहौल ने आप में वो मानसिक कमजोरी पैदा की है कि 20,000 की बात हो तो समझ आती है, 50,000 की बात हो तो समझ आती है, पर करोड़ों की बात हो तो समझ नहीं आती। आपकी मानसिकता करोड़ों की बात एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि पिछले 20-25 साल से तू कमजोर है, तू कमजोर है, तू कमजोर है, ये आपके माहौल बता रहा है, ये आपका एटमोसफेयर बता रहा है। हम तो 2-4 साल पहले आए हैं, हम बता रहे हैं तू मजबूत है, तू ताकतवर है, तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, पर आपकी मानसिकता एक्सेप्ट नहीं कर रही। शारीरिक रूप से तो आप अमीरों के बच्चों से कहीं बेहतर हो। जिस दिन मानसिक बदलाव कर दिया ना, उस दिन आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी जिंदगियां बदल जाएगी। यहां पर जो आज आप आए हो, इतनी देर से बैठे हुए हो, सजे हुए हो, डायलॉग सुनने के लिए नहीं, यहां पर एक सोच बढ़ा के जाओ, अपनी कमजोर मानसिकता को यहां डाल के रोन रोन के जाओ, और एक बड़ी मानसिकता के साथ आज यहां से जाओ, अपनी सोच में बदलाव करके जाओ। यहां से जाते समय भगवान को कहना, आज समझा मैं कौन हूं, अगर मुझे मौके मिले होते बचपन से, ये साइकिल चलाने का मौका मिला साइकिल चलाई, बाइक चलाने का मिला बाइक चलाई, अगर मुझे भी झाड़ उड़ाने का मौका मिलता तो मैं भी झाड़ उड़ा सकता था, जब साइकिल मोटरसाइकिल चला सकता हूं तो झाड़ उड़ा सकता हूं, काबिलियत तो थी मुझ में पर मौका नहीं था और माहौल नहीं था। आज मौका भी मिला है और माहौल भी मिला है, अगले 3 साल में इसमें कोई मोटिवेशन है क्या, कोई मोटिवेशन है क्या? मजदूर के 8 घंटों की कीमत 800 रुपए है और डॉक्टर के 8 घंटों की कीमत 80,000 रुपए। काम दोनों कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म अलग अलग। तुम चाहो खुद को सस्ते में बेच लो और तुम चाहो तो खुद को अरबों में बेच लो।
के बाद जीवन में याद रखना, खेत भी बिना मेहनत के फसल नहीं देता, उसमें भी घास तो सूख जाता है अगर मेहनत ना की गई हो। तो मेहनत तो जीवन के हर सेक्टर में हर जगह करनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता हो कोई आपको मुफ्त में पैसे दे रहा है तो भाई उसके पास जाओ, हमारे यहां तो पसीना बहाना पड़ता है। पर फर्क उस दुनिया में जाओगे, उन लोगों के पास जाओगे वो आपको आम आदमी समझते हैं, आप पढ़े लिखाई समझते हैं, आम इंसान समझते हैं, वो आपकी कीमत रुपये और पैसों में लगाएंगे। कोई कहेगा 10,000 महीना दूंगा, कोई कहेगा 20,000 महीना दूंगा, कोई कहेगा 40,000 महीना दूंगा। मैं फिर कहता हूं, एक आम आदमी को कोई खास बनाने नहीं चाहता, एक आम आदमी को कोई बड़ा बनाना नहीं चाहता, सब खुद बड़ा बनना चाहते हैं आपसे काम करवा के। एक आम आदमी से काम करा के एक सेठ बड़ा बनता मजदूरों से काम करा के, है ना? यह सर लो, सबको साथ लेके कोई नहीं चलता, सबको बनाना कोई नहीं चाहता, हर इंसान खुद बनना चाहता है। ये तो भला ऊपर वाले का कि उसने एक ऐसी इंडस्ट्री बनाई जहां आप भी बड़े बनते हो और हम भी बड़े बनते हैं और हम सब मिलकर बड़े बनते। मेरे भाई, बाजार में जाओगे कोई डिग्री पूछेगा, कोई एक्सपीरियंस पूछेगा, कोई 20,000 का बंदा बताएगा, कोई 30,000 का बताएगा, कोई 40,000 का बताएगा, कोई 50,000 का बताएगा, कोई करोड़ों का नहीं बताएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। आज तक किसी ने बताया तो, अगर आज तक किसी ने कहा है कि कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कमा सकता है तो बताओ। अरे कोई नहीं बताएगा, कोई एहसास नहीं दिलाएगा आपको कि आप भी कुछ कर सकते हो, आप भी बड़े आदमी बन सकते हो। सबको आपको छोटा रख के मजा आता है, बड़ा बना के किसी को मजा नहीं आता। आपकी कीमत वही लगा सकता है जिसकी पहले कीमत लगी हो, जो आपके बीच में से निकला हो, जो किसान मजदूर का बेटा हो, जो खुद अरबपति करोड़पति बना हो, वही बता सकता है कि तू भी बन सकता है, तू भी बन सकता है, तू भी बन सकता है, तू भी। आपकी कीमत वो नहीं लगा सकता जिसको इस बिजनेस के बारे में एबीसीडी भी पता नहीं है, राइट? फासिल मारिए। अब ये आपके ऊपर कि आप अपनी मेहनत रुपयों में बेचोगे, पैसों में बेचोगे, 50,000 में बेचोगे, लाख में बेचोगे, 1 करोड़ में बेचोगे, ये आपके ऊपर। मैं क्या करता था, मैं आर्मी में था, सब 2007 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देखने का मौका मिला। मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे भाई तुम्हें इतना ज्ञान पढ़ा रहे, इतनी पट्टी पढ़ा रहे तुम्हारे अपलाइन, मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ी समझने की। रहता आर्मी में, मेरी तनख्वाह थी उन दिनों में 6,500। मुझे एक आदमी आया, उसने बताया ये इंडस्ट्री है, यहां काम करेगा, महीने में कमाएगा 10 लाख। मैंने एक हिसाब लगाया कि यार आर्मी में रहकर तू 16 घंटे 12 घंटे काम करता है, तू कमाता है 7,000, ये आदमी कह रहा है इतने घंटे काम करके तू कमाएगा 10 लाख। मैं खाना खाता हूँ भाई और मुंह से खाता हूँ, तुम कहां से खाते हो? मुंह से, नाक से? अरे नाक से कितने लोग खाना खाते हैं, मुंह से खाते। तो क्या मेरे जीवन के लिए सही है, क्या मेरे जीवन के लिए गलत है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं कितना ही कुछ बता लूं, कितना ही कुछ समझा लूं, जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि मुझे ये काम करना है, आप नहीं कर पाओगे, आया ना? तो मुझे समझ थी कि यार संजीव कुमार 16 घंटे तेरे 7,000 में बिक रहे, ये कह रहा 16 घंटे काम करेगा 10 लाख में बिकेंगे। तो भैया मैं तो खाना खाता था मुंह से, मुझ में दिमाग है, बुद्धि है, बाहर में गए 16 घंटे, मैं क्यों बेचू 7,000 में जब मिल रहे 1 करोड़ रुपए, तो मैं तो यहां काम करूंगा। इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है, एक समझदार तो एक बात ही समझ आ जाती है। और मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये धंधा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोई धंधा आपके पास हो तो मुझे बताओ, तो मैं कर लेता हूं। और छोड़ो, मैं पैसे भी दे दूंगा, जितने तुम कहो उतने दे दूंगा, लगा भी दूंगा थोड़े बहुत पैसे। मुझे बताओ ये नहीं तो क्या करोगे? कौन पूछ रहा है हम लोगों को यार? मैं किसान का बेटा मिडिल क्लास से हूं, पूछ रहा है मुझे? पढ़ाई लिखाई मेरे पास नहीं, अथा दौलत मेरे पास लगाने के लिए नहीं, क्रिकेटर मैं नहीं, बॉक्सर मैं नहीं, एक्टर मैं नहीं, ना टैलेंट है, ना पैसा है, ना डिग्री है, कौन पूछ रहा है मुझे? कौन देगा मुझे बाजार में मौका? और मौका मिलेगा बाजार में तो नौकर बनने का मिलेगा। अगर मालिक हमें कोई बना सकता है तो एडब्ल्यूपीएल बना सकता है।
किसी को नहीं कहा तू नारक सेवन कर। मैं कहता हूं नहीं भैया, पहले जो तुझसे हो सकता वो कर ले, दुकान चला के देख ले, हॉस्पिटल चला के देख ले, खेती करके देख ले, आईएएस बन जा, आईपीएस बन जा, साइंटिस्ट बन जा, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, क्रिकेटर बन जा, बॉक्सर बन जा, एक्टर बन जा, डांसर बन जा, सिंगर बन जा, पहले अपने जीवन की जो तुझमे काबिलियत है वो सब अपना के कुछ करके देख ले, और जब लगे कि कुछ नहीं हो पाया और मैं कुछ नहीं कर पाया तो फिर हमारे साथ आ। हम तो सुपर फेलियर को सुनो, हम तो वो इंडस्ट्री है जो सुपर फेलियर को सुपर सक्सेस करते हैं। सक्सेसफुल लोगों की हमें जरूरत है ही नहीं भैया, जो अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया, अच्छी बात है, देश सेवा करो भैया, साइंटिस्ट बनो, देश के काम हो यार, कुछ अच्छा करो, बढ़िया बढ़िया अच्छे डॉक्टर बनो, लोगों का इलाज करो, अच्छे इंजीनियर बनो, देश के अच्छे पुल बनाओ। हम तो कहते ही नहीं, तो कहते हैं जो कुछ नहीं कर पाए, जो लग गए हम हार गए, अब हम क्या करें, हमारे पास ना मौका है, ना पढ़ाई है, ना टैलेंट है, ना पैसा है। उनको कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जहां जहां से तुम हार के आए हारा है, अब हम जिताने का वादा करते हैं, तुम हमें हिम्मत दो, साहस दो और अपने सपने दो पूरे करने की, हम आपके साथ मेहनत करें। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ रही? अब बात करें इसमें काम क्या करना है, क्या करना है। हमारी कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है जो लोगों के दुख तकलीफों में काम आते हैं, न्यूट्रा सप्लीमेंट्स बनाती है जो लोगों को विटामिन की डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करने में काम आते हैं। हमारी कंपनी कृषि के उत्पाद बनाती है, जहर मुक्त खेती को हम लोग बढ़ावा देते हैं कि जहर मुक्त खेती करो, देश में बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करो, यूरिया डीपी जो होते हैं, क्या नाम है, यूरिया और ये सब जो गाय वाई होती है मत डालो खेत में। ओरिजिनल क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है, हर्बल स्किन प्रोडक्ट्स बनाती है हमारी कंपनी, इन पांच कैटेगरी में काम करती है। मुझे ये बताओ ये पांच कैटेगरी के प्रोडक्ट हम यहाँ से नहीं लेते तो बाजार से लेते नहीं लेते, लेते नहीं लेते। हम प्योर मसाले बनाते, प्योर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब ये बताओ हम वो काम कर रहे हैं देश में हित में, सोशल समाज के हित में वो काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा। अरे हम ओरिजिनल चीजें बेच रहे हैं, हम जनता के माध्यम से बेच रहे हैं। अगर डुप्लीकेट बेचते ना तो जनता में ताली बजा के हमारा स्वागत नहीं करती, जूतों से करती। 4 साल हो गए हमारे को, आज देश और समाज के अंदर इतने रिजल्ट हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ने दिए, इतने लोगों को हमने ठीक किया है, इतने क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए कि मैं नहीं कहता, हमारे यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया भरी पड़ी है। और देश की आम जनता से पूछो तो पूरी जनता कहेगी कि आयुर्वेद की दुनिया में कोई बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है उस कंपनी का नाम AWP है।